करा कि दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। स्पेशल सेल ने शार्प शूटर अंकित गुलिया नु गिरफ्तार किया गया। अंकित गुलिया नु गिरफ्तार किया गया है, स्पेशल सेल दे वलो गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया अंकित गुलिया नु, शार्प शूटर अंकित गुलिया नु गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ हुई थी, उस बाद अंकित गुलिया नु गिरफ्तार किए जाने का दावा जो पुलिस वालों किया जा रहा है। दस दिए कि मुलजम के कोलों पिस्टल ते तीन कारतूस बरामद किए गए। अंकित गुलिया दिल्ली हरियाणा के नौ मामलों के लोड़ींदा सी, काफ़ी लंबे समय तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल में इसकी तलाश भी सी। आखिरकार इस तक पहुंच की गई, मुठभेड़ हुई, हालांकि अंकित गुलिया नु लेकिन उस बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कोलों पिस्टल बरामद हुए, तीन कारतूस उसके कोलों बरामद किए गए हैं। एक बार फिर तो दस दिए कि मुलजम तो पिस्टल से तीन कारतूस बरामद किए गए हैं। जिस वेले गिरफ्तार किया गया, टीवी सुनने की तस्वीर साढ़े दर्शक देख सकते हैं। अंकित गुलिया दिल्ली हरियाणा के नौ मामलों के लोड़ींदा दसाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल के हाथ जो है बड़ी सफलता लगी है। स्पेशल सैल ने शार्प शूटर अंकित गुलिया को गिरफ्तार करने का दावा किया। अंकित गुलिया को गिरफ्तार कर लिया गया, मुठभेड़ हुई थी, उस बाद अंकित गुलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी स्क्रीन से तस्वीर साढ़े दर्शक देख सकते हैं। अंकित गुलिया की तस्वीर ने और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल के ऑफिसर उस गड्डी के बिठा के लेके जाते हुए एक बार फिर तो दस दिए कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शार्प शूटर अंकित गुलिया को गिरफ्तार करने का दावा किया। उसके कोलों पिस्टल से तीन कारतूस भी बरामद होने का दावा किया गया। स्पेशल सेल ने शार्प शूटर अंकित गुलिया को गिरफ्तार किया गया। इस बारे और ज्यादा जानकारी असी इकट्ठा करने की कोशिश करांगे। प्रमोद साढ़े नाल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अंकित गुलिया कौन है और किमें इस तक पहुंच हो पाई, किमें गिरफ्तारी हुई, कितों गिरफ्तारी हुई? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी गैंग जो है जिसको जिसकी हत्या कर दी गई थी और साथ में दीपक बॉक्सर गैंग के शार्प शूटर रही अंकित गुलिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस के साथ एक मुठभेड़ भी हुई है और एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद अंकित गुलिया को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और तीन कारतूस जो है जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली और हरियाणा में कई सारे मामले हैं, उसमें ये वांटेड चल रहा था और बुराड़ी के एक बिल्डर की जो अमित गुप्ता से उसकी हत्या के मामले में भी ये वांटेड चल रहा था। मुंडा इलाके में अपने दुश्मन गैंग के दो साथियों की 2022 में इसने हत्या कर दी थी और जितने भी ये भारी इलाका था, अलीपुर है, बवाना है, इस इलाकों में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। रॉबरी, मर्डर, एक्सटॉर्शन के कई सारे इसके ऊपर मामले दर्ज थे और आज सुबह जब महरूली इलाके में इसके आगे की सूचना मिली थी तब इसको ट्रैप लगाया गया, लेकिन इसे सरेंडर करने के लिए कहा गया था। उसके बाद इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर ओपन कर दिया था जिसके बाद पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई थी। उसके बाद इसको आखिर में इसको दबोच लिया गया था। ये सारे जो है गोगी गैंग की हत्या के बाद जो दीपक बॉक्सर है वो इस गैंग को शार्प शूटर दूसरा एक बड़ा सदस्य है इस गैंग का जो कि इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसके 6 मामले इसके ऊपर हरियाणा के हैं और दिल्ली के भी काफी सारे मामले हैं, उनमें ये लगातार वांटेड चल रहा था। लंबे समय से टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच जो गैंग वॉर चल रही थी उसमें ये काफी ज्यादा एक्टिव रहा था। गोगी के मरने के बाद दीपक बॉक्सर पूरे गैंग को जो ऑपरेट कर रहा था और दूसरे नंबर पे जो अंकित गुलिया है ये आता था और इसके आगे की सूचना आज जब स्पेशल सेल को मिली थी तो एक ट्रैप लगाया गया था और सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन ये इतना ज्यादा नोटोरियस है कि इसने पुलिस पार्टी के ऊपर ही फायर ओपन कर दिया था और जवाबी कार्रवाई के बाद करीब 2 राउंड चलाने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, और क्योंकि ये दूसरा है गुलिया गिरोह का जो मुखिया अंकित जो है दूसरा है, लेकिन दीपक के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि पूरे गैंग को वही ऑपरेट करता है? देखिए, बिल्कुल, अब इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके गैंग से जुड़े हुए जो बाकी के लोग हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, उनके जो हाइडआउट्स है या फिर उनके जो ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी कि किस तरीके से इस पूरे गैंग को जो है खत्म किया जा सके। बहुत ही ज्यादा
गंभीर न सिर्फ इस मामले में गैंग मंत्रालय है कि जो पंजाब हरियाणा और दिल्ली के जो गैंगस्टर हैं इन्होंने आपस में एक गठजोड़ कर लिया है और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं आतंकी उठा सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, इसलिए एनआईए भी एक केस दर्ज करके ऐसे गैंगस्टर के ठीक है। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए, कोई भी अपडेट होगा तो जरूर बताइएगा।